सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो गैस आज मैं कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने वाला हूँ जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल फोटो होती है, जो कि ये विजय मार की जो स्टाइल होती है अलग अलग होती है। तो आप लोग भी चाहते हो कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने के लिए तो हमारे वीडियो बने रहना और वीडियो को मिस मत करना। थोड़ी वीडियो लंबी होगी बट आप कुछ सीख के जाओगे। तो चलो गैस स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। हाँ गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स गो। तो गाइस चलते हैं पिक्सार की तरफ और पिक्सार को कर लेते हैं ऑन। पिक्सार ऑन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको इस प्लस का आइकन क्लिक करके अपनी फोटो को ऐड कर लेनी है अपनी फाइल में जाकर। तो चलते अपनी फाइल में, अपनी फाइल में आ जाने के बाद आपको ये बैकग्राउंड को ओपन कर लेनी है पिक्सार में। तो पिक्सार में हमारा जो बैकग्राउंड है ओपन हो चुका है, आप लोग क्या करेंगे अपने फोटो को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो चलते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस क्या करना है, अपनी फोटो को यहाँ पर कर लेनी है ऐड। तो ऐड करने के बाद तो कुछ इस तरीके आपको पोज देना है गाइस। तो यहाँ से मैंने पोज देकर फोटो क्लिक करवा लिया है, तो यहाँ पे कर लेते हैं सेट। ठीक है, तो सेट करने के बाद जैसा करना है आपको यहाँ पे देख सकते हो मैंने फिंगर में पहले से कुछ लगाया हूँ। तो आपको लगाने के लिए क्या करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे आप भी कर सकते हो। तो इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। तो यहाँ पे पहले एडजस्ट में जाना है, यहाँ पे आपको इसको डाउन कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे सैचुरेशन पे क्लिक करके आपको ब्लैक एंड व्हाइट कर लेनी है, इसको डन कर लेनी है। और डन करने के बाद आपको यहाँ से इसको सेट कर देना है ऐसे, कुछ भी एक फिंगर में सेट करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसे आपको ऐसे सेट कर देनी है, उसे इरेजर पे क्लिक करने के बाद फालतू जो दिख रहा है आपको यहाँ पे इरेज करनी है, बस आपको राउंडिंग वाला रखना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ऐसे आपको सब फोटो में ऐसे जितनी फिंगर है, सब फोटो नहीं सॉरी आपको जितनी फिंगर है सब फिंगर ऐसे करके सेट कर देनी है। तो ऐसे मैंने पहले से सेट किया है ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा इस कैसे करना है। मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप जाकर डाउनलोड करके आप ऐसे फिंगर में एडिट कर लें। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम हो गया, माफ करना। ऐड फोटो में चलते हैं। ऐड फोटो में जाने के बाद क्या करना है, आपको ये वाली जो फिंगर है आपको यहाँ पर ले लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेट। तो यहाँ से सेट करने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से आपको यहाँ सेट करना है। तो यहाँ से कर लेते हैं दूसरे पार्ट को यहाँ से रेस। उसके लिए क्या करना है, यहाँ से कर लेना है डन। और डन करने के बाद जैसे करना है आपको यहाँ पे चलना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद अपनी फाइल में आ जानी है, आपको ये फोर ले लेनी है, ऐड कर लेनी है। तो यहाँ से मैं एक एक करके ऐड करूँगा। ठीक है गाइस, तो आप भी एक एक करके ऐड करना, अच्छे तरीके से ऐड करना होगा आपको भी। तो आपको जहाँ लग रहा है कि सही लग रहा है तो वहीं पर आपको भी ऐड करना होगा। तो गाइस यहाँ पे सेट करने के बाद गाइस करना कि आपको पहले इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। और करना कि आपको इरेजर पे क्लिक करना है, और इरेजर पे क्लिक करने के बाद इसको जितना फालतू दिख रहा है आपको इरेज कर देनी है। बस कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट करना होगा। तो यहाँ से भी मैं इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस एक सेट हो गया, तो यहाँ से करते हैं डन। और फिर सेकेंड पार्ट पर जाकर इसको भी यहाँ पे सेट करेंगे। तो गाइस मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो गाइस हमारा जो यहाँ पे एक हैंड जो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और फिर चलते हैं सेकंड हैंड पे, तो फिर से वो काम करते हैं। चलते हैं ऐड फोटो में। और ऐड फोटो में जाने के बाद आपको ये फिंगर फिर से ऐड कर लेनी है। तो अब यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से आपको लगा देनी है। तो यहाँ से इरेजर पे क्लिक करके ये वाली को इरेज कर लेते हैं। फिर से वही काम करना है गाइस जो आप पहले किए थे। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है, आपको फिर से ऐड फोटो में चलते हैं, अपने फाइल में 1, 2, 3 and 4 को ऐड कर लेंगे। और यहाँ से कर लेंगे एक एक करके सेट।
तो गाइस यहाँ पे सारा जो है फिंगर भी सेट हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। तो गाइस यहाँ पे डन करने के बाद क्या करना है, आपको जाना है एड पोर्ट में। जाने के बाद यहाँ पे एक PNG है और एक हेयर स्टाइल है जो कि मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसको यहाँ पे ऐड कर लेनी है, इसको यहाँ छोटा कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से मैं कर रख लेता हूँ इस वजह से। उसके बाद क्या करना है, आपको हेयर स्टाइल यहाँ पे ऐड सेट कर देनी है। उसके बाद इरेजर पे क्लिक करना है, उसके बाद फालतू जो दिख रहा है इसको इरेज कर देनी है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे अच्छे तरीके से हेयर स्टाइल सेट हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद कैसे क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ, सारा चीज़ तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट आपको करना क्या है, आपको देख सकते हो यहाँ पे फेस थोड़ा पिंपल्स विंपल्स दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे फेस स्मूथ करना है। तो चलते हैं अपनी ब्यूटी में। ब्यूटी में जाने के बाद क्या करना है, फेस फेस लिखा हुआ है यहाँ पे, फेस स्मूथ के बगल में लिखा हुआ है फेस FIX, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको फोटो को जूम करना है, यहाँ से कर लेनी स्मूथ। तो हल्का कमी कर लेता हूँ, तो यहाँ से कर लेते हैं गाइस डन। यहाँ पे अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है, तो गाइस आप देख सकते हो कितनी चीज़ें फेस हो गए हैं। और क्या रखना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सारा काम हो चुका है, अब करना क्या, कुछ कलर सेटिंग करना है। तो चलते हैं लाइटरूम की तरफ, और लाइटरूम में कुछ कलर सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको ड्राफ्ट रूम में जाना है। ड्राफ्ट रूम में जाने के बाद अपनी फोटो को सेव कर लेनी है अपने गैलरी में, ठीक है। तो हमारा जो फोटो है सेव हो चुका है, तो चलते हैं लाइटरूम की तरफ। तो गाइस चलते हैं लाइटरूम ओपन कर लेते हैं। तो गाइस लाइटरूम ओपन करने के बाद क्या करना है, अपने फोटो को ऐड करनी है। तो गाइस मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आपको इस प्लस कट में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद कैसे करना है, यहाँ पे ओपन हो रही है, मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे अपने फोटो को ऐड कर लेते हैं अपने लाइट रूम में, ठीक है। तो हमारा जो फोटो है लाइट रूम में ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो कलर सेटिंग करना है, अपने फोटो के हिसाब से कलर सेटिंग करना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं कलर सेटिंग कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं रहेगा, यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना, मैं बताऊँगा गाइस, ठीक है। मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड बंद कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारे अच्छे तरीके से जो फोटो एडिट हो चुका है गाइस। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे जो पिक्सार में फोटो था, और ये देखो लाइटरूम में आने के बाद तो फोटो का क्वालिटी चेंज हो जाता है गाइस। तो गाइस देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है कलर सेटिंग एंड फोटो एडिटिंग। तो गाइस ये आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना, और लाइक करना, और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। और गाइस हाँ, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो गाइस यहाँ फोटो को सेव कर लेते हैं, 10 डॉट पर क्लिक करना है। 10 डॉट पर क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके फोटो कर लेनी है सेव। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।